अन्य प्रदेशों में फंसे लोगों का गाजीपुर वापस आना लगा हुआ है। जहां अभी बुधवार को भारतीय रेल से 1200 लोग गाजीपुर पहुंचे थे, वहीं शुक्रवार की रात और 1800 लोग गाजीपुर पहुंचे हैं। मालूम हो कि ये लोग गुजरात से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा 2 बजे रात में गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्रशासन द्वारा सभी की स्क्रीनिंग के लिए उचित व्यवस्था भी की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सभी यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग कर पंजीकरण किया गया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा रोडवेज बसों में उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। बता दें कि सभी को अपने अपने घरों में 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहने को कहा गया है। इस दौरान लंच पैकेट और पानी का भी वितरण किया गया। मौके पर जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह, सीओ ओजस्वी चावला, एसपी ग्रामीण चंद्र प्रकाश शुक्ला, कोतवाली प्रभारी धनंजय मिश्रा, यातायात प्रभारी सुधीर त्रिपाठी, बीएसए श्रवण कुमार, पुलिस फोर्स के साथ साथ चिकित्सकों की टीम भी मौजूद रही। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।